hi guys welcome to my study channel study special with keshesh welcome to my channel with easy learning and quick learning in before class we described we studied about the gm counter that means grieger-muller counter and the photomultiplier and scintillation counter you can get this link from this description area then today's our topic is semiconductor detector we know detector means it detect that particle May be that alpha particle, it may be beta particle, it may be gamma particle, whatever we have to detect that ionization particle. Okay, in this topic, semiconductor is used for detection of that charged particle. Okay, then what is the meaning of semiconductor? Semiconductor means what is the meaning of there are three types. दैट इज गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर ओके सेमी कंडक्टर मीन सर इट हैो हाई फ्लुएंटली फ्लो ऑफ चार्ज इट इज द मीडियम ओके इट इज दिटवीन इन बिटवीन गुड कंडक्टर एंड द बेड कंडक्टर ओके देन लेट स्टार्ट आवर टॉपिक कॉन्सेंट्रेट प्लीज एन इट इज टाइप ऑफ डिटेक्टर ये एक तरह का डिटेक्टर है इन हुई सेमी कंडक्टर मेटेरियल इज यूज टू डिटेक्ट द आयोनाइजिंग रेडिएशन पार्टिकल ये आयोनाइिंग रेडियशन पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं एक सेमी कंडक्टर मेटेरियल यूज करते हैं प्रिंसिपल क्या है सेम है when ionizing radiation are made to flow on a semiconductor material electron and hole pair are produced which are caused increase of current and form electrical pulse isko yahan par rakh dijiye isko hum baad mein samjhenge okay then construction and working पहले हमें semiconductor की detector, semiconductor detector बनाने से पहले हमको क्या बनाना चाहिए पहले semiconductor बनाना चाहिए सेमीकंडक्टर कंडक्टर कितने तरीका का होता है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होता है एक्सट्रीसिंग कितने टाइप का होता है पी टाइप एंड एन टाइप होता है एक्सट्रिंसिंग मतलब क्या है डोपिंग होता है जो कि ज़्यादा वेल्युएबल होता है सेमीकंडक्टर में तो वो बात छोड़िए तो हम पहले क्या देखेंगे सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म करेंगे सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म करेंगे पहला हमारा काम है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करें उसके बाद एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉर्म करे उस दोनों को जोड़ के पी जंक्शन डायोड फॉर्म करे उसके बाद डिटेक्टर की कंस्ट्रक्शन करे तो पहले हम पढ़ेंगे पी टाइप कैसे फॉर्म करते तो मुझे पी टाइप फार्म करने के लिए क्या चाहिए एक सिलिकॉन क्रिस्टल चाहिए दैट मीन एक सिलिकॉन का प्लेट चाहिए हमें पता है सिलिकॉन का वैलेंस क्या होता है फोर होता है हाँ कि नहीं तो मैं सिलिकॉन सिलिकन के ऊपर क्या करूं बोरोन का डो, डोपिंग करूं क्या करूं बोरोन का डोपिंग करूं बोरोन को हम इम्प्यूरिटी के हिसाब से ले सकते हैं तो एक प्योर सिलिकॉन मेटल पे जब बोरोन का डोपिंग हो सिलिकॉन का बैलेंस फोर होता है बोरोन का बैलेंस थ्री होता है तो फोर देखिए सिलिकन का बैलेंस क्या होता है फोर होता है बोरन का वैलेंस कितना होता है थ्री होता है तो इफ देर इज बराबर होता थ्री थ्री होता तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके आउटर इलेक्ट्रॉन में कंबाइन करके एक न्यूट्रल फॉर्म कर सकते हैं बट जिसलिए इस पर फोर है आउटर वैलेंस ऑफ सिलिकॉन फोर है आउटर वैलेंस ऑफ बोरन क्या है थ्री है तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा इलेक् इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके ड्यू टू तो पॉजिटिव हम पॉजिटिव चार्ज को होल बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है होल इक्वल टू तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर देखो ये हमारा होल का रिप्रेजेंटेशन है स्पेरिकल बॉल एंड ये जो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेशन है दीन्स इंडिकेशन है तो ये मेरा रहा क्या सिलिकॉन का प्लेट मैं इसके ऊपर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी आटम इंप्यूरिटी ओके ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी आटम बोरोन को ऐड किया जिसके वजह से डेफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दी एंड होल प्रोड्यूस हुआ ओके एक न्यूट्रल आटम है इसका हमारे इलेक्ट्रॉन छीन ले तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज पड़ा रहेगा कि नहीं तो पॉजिटिव चार्ज क्या है होल है जिसके वजह से इस प्लेट में होल का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन का कमांड बहुत कम होता है तो जिसलिए होल का अमाउंट ज्यादा है इसलिए हम उसको बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बहुत कम है इसलिए हम बोलते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओके देन पी टाइप का फॉर्मेशन हो गया अब एन टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है देखो ये मैंने फिर से एक सिलिकॉन का लिया सिलिकॉन का ही लेना ओके okay? उसके ऊपर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम फास्फोरस फास्फोरस का वैलेंस क्या है 5 है सिलिकॉन का क्या है 4 है तो जो जब मैंने डोपिंग किया जब मैंने ऐड किया तो चार चार कंबाइन हो गया और कितना रहा और कितना इलेक्ट्रॉन बचा एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यहां पर क्या होगा, होगा। इलेक्ट्रॉन का बहुत होगा। हम इसको बोलते नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ओके इन थोड़ा बहुत का अमाउंट का होल चार्ज पड़ा रहेगा तो यहां पर एन टाइप के पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है एंड होल माइनोरिटी चार्ज कैरियर आ गया समझ में तो हम अब देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं कैसे बनाएंगे एन टाइप को ये एन टाइप पी टाइप को एन टाइप के पास आकर कांटेक्ट कर ले क्या कर दे जोड़ दे जोड़ देने से क्या होगा इसमें क्या होता है ज्यादा होल होता है हा कि नहीं इलेक्ट्रॉन बहुत नेग्लेजिबल होता है यहाँ पर कोता क्या होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है होल बहुत कम होता है तो क्या होता है यहाँ पर हमें पता है देखो एक मैप मैप में मानचित्र में एक बड़ा राज्य है एक बाकी दो दो छो, छोटा छोटे छोटे -छो, वो कितना बहुत छोटे राज्य होते हैं तो बड़ा राज्य का जो राजा होता है वो हमेशा क्या करता है इस राज्य के ऊपर अपना कब्जा बना रहता है हाँ कि नहीं वैसी तरह यहाँ पर क्या है अमाउंट ऑफ होल बहुत ज्यादा है यहाँ पर क्या है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो ये होल सारे कहा पर अपना कब्जा करने के लिए जाना चाहेंगे वो यहाँ पर आकर अपना कब्जा बनाने के लिए चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है ऑस्मोसिस पढ़े होना बच प्लस टू में ऑस्मोसिस में. में क्या होता है क्या होता है ऑस्मोसिस में याद कीजिए हाई कंसेंट्रेशन वाटर से लोअर कंसेंट्रेशन वाटर मूव करता है वैसे वैसे तरह यहां पर भी होल की अमाउंट ज्यादा है यहां पर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा है सो so, इस इलेक्ट्रॉन इस होल यहां पर आने के लिए ट्राई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर कब्जा बनाने के लिए ट्राई करेंगे बात आ गया समझ में तो देखो ये क्या है पी टाइप है ये क्या है एन टाइप है तो ये जो होल है ये जो होल है पी टाइप से एन टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जाना चाहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एन टाइप से पी टाइप को जाने के लिए जाएंगे कि नहीं आ गया समझ में तो क्या होगा जाने से जाने से डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा कैसे क्रिएट होगा चलो देखते देखो मैंने पी टाइप को एन टाइप के साथ लाकर जोड़ दिया ओके तो जोड़ने से क्या होगा ये जो होल है एन टाइप पर आने के लिए ट्राई करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है पी टाइप में जाने के लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा यहां पर जो होता था यहाँ पर जो यहां पर जो होल होता था वो क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता था वो आप वो कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी तो एक डिफ्यूजन लेयर बन जाएगा इस कंटैक्ट के पास एक कंटेक्ट का लेयर है इस लेयर के पास डिफ्यूजन ले रीजन बन जाएगा डिफ्यूजन रीजन मींस होल इस तरह इलेक्ट्रॉन उस तरह बन जाएंगे हो गया डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया अब हमारा का क्या काम है हम इसको रिवर्स बाइस्ड करना है रिवर्स बाइस्ड क्या है रिवर्स बाइड मतलब को बैटरी से ज्वाइंट करना है। इस सेमीकंडक्टर को बैटरी से ज्वाइंट करना है। रिवर्स बाइस होता है फॉरवर्ड बाइस्ड होता है रिवर्स बायस क्या है रिवर्स बायस क्या है पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल में एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना फॉरवर्ड बायस क्या है पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल में एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना बट हमें यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग की कोई जरूरत नहीं है हमें क्या जरूरत है रिवर्स बाइस्ड की रिवर्स बाइस में क्या होता है पी टाइप ज्वाइंट होता है नेगेटिव टर्मिनल में एन टाइप ज्वाइंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल में देखो ये हो गया पी टाइप ये क्या है पी टाइप है ये क्या है एन टाइप है ये एक बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल यही है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो मैंने क्या कर लिया एक वायर लेके पी से लाकर नेगेटिव में ज्वाइन कर लिया अनदर वायर लेके एन से लाकर पॉजिटिव में ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा क्या देखो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहां पर मूव करता है नेगेटिव के पास आता है नेगेटिव चार्ज कहां पर मूव करता है पॉजिटिव के पास होता है पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट याद है ना एक लड़की हमेशा कहां पर अट्रैक्ट होगा लड़के के पास अट्रैक्ट होगा एक लड़का कहां पर अट्रैक्ट होगा लड़की के पास अट्रैक्ट होगा ग्रेजुएशन कर, कर रहे हो यार थोड़ा समझा करो ओके तो देखो अगेन व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स जब मैंने रिवर्स बाइस्ट कर दिया क्या रिवर्स बाइश क्या होता है पी टाइप विथ नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ओके देन क्या होता है ये जो होल होता है पॉजिटिव है होल क्या है है पॉजिटिव चार्ज ट्राई करेगा करने के लिए ट्राई करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आने के लिए ट्राई करेगा पॉजिटिव एंड के पास आने के लिए, लिए ट्राई करेगा तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा नेगेटिव पॉजिटिव के के पास आने के लिए ट्राई करेगा तो इस रीजन पर जो इलेक्ट्रॉन इस रीजन पर जो होल इस रीजन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाएंगे सेपारेट हो जाएंगे क्यों सेपारेट हो जाएंगे सारे होल्स इकट्ठा होकर नेगेटिव के टर्मिनल के पास आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर पॉजिटिव एन के पास आ जाएंगे जिसकी वजह से इस रीजन क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगा इस रीजन क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा इसको सो व्हाट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस क्या होता है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस हो गया तो क्या होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्किट में तो करंट क्या होगा क्रिएट होगा ही अब यह देख रहे हो ये सब एरो अपोजिट में लगा हुआ है क्या है ये मैं क्या बोला था नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड पर जो इलेक्ट्रॉन है पी टाइप पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप पर जो होल है उसको क्या बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हाँ कि नहीं देखो पी टाइप में हमेशा क्या होता है होल होता है कि नहीं बहुत होता है होल इलेक्ट्रॉन क्या होता है कम होता है ओके इसीलिए पी टाइप के लिए हम होल को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप पे कैसे होते हैं एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं होल लेस होते हैं So, N -type के लिए इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर, होल माइनोरिटी चार्ज कैरियर, ओके देन यहां पर जो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है माइनोरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप पे जो होल होगा वो क्या है वो भी माइनोरिटी चार्ज कैरियर, ओके देन ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ आने के लिए मूव करने के लिए ट्राई करेगा ये जो होल है नेगेटिव एंड के लिए पास आने के लिए ट्राई करेगा तो पर क्या होगा क्रॉस चेंज होगा इस लेयर के अंदर फ्लो होगा बट ये जो करंट है वो बहुत नेग्लेजिबल है ओके okay? सो so हम इसको काउंट नहीं करते देखो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप एज माइनोरिटी चार्ज कैरियर एंड होल इन एन टाइप एज माइनोरिटी चार्ज कैरियर मूव थ्रू द डिप्रेशन रीजन वो कहां पर मूव करेगी डिप्लेशन रीजन देकर ही मूव करेंगे सो so, क्या होगा फॉर्म रिवर्स लीकेज करें क्या फॉर्म होगा लीकेज करेंट फॉर्म होगा जो कि बहुत negligible है ये हमारा क्या बन गया पीएन डायोड बन गया अब हम क्या करेंगे सेमीकंडक्टर बन गया पीएन डायोड बन गया इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है अब क्या करेंगे हम इसको डिटेक्टर से कैसे कन्वर्ट करेंगे डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे जे कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल आल्फा है कि बीटा है कि गामा है कि एक्सरे है कि जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे तो चलो देखते क्या करना है फॉर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर क्या करना है एन टाइप कंडक्टर ये जो है ना इसको पलट दो ऐसे मूव कर लो ये ऐसे है हाँ कि नहीं ये ऐसे है ऐसे मूव कर लो हो जाएगा कि नहीं ये तो क्या बोला है पी टाइप के ऊपर एक थीन टाइप बनवाना है उसके बाद क्या करना है ऑन द एन टाइप ए थीन लेयर ऑफ गोल्ड इज एवरेटेड फॉर ए मेकिंग गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हमें पता है गोल्ड इज द वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इजी के लिए तो क्या करना चाहिए एन टाइप के ऊपर एक गोल्ड का लेयर बना दो बहुत थीन, बहुत 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 थीन लेयर बना दो, ओके उसके बाद क्या बैटरी कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस का बैटरी कनेक्ट कर दो पी के पास क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल एन के लिए क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि हम रिवर्स बैस्ट कर रहे हैं मैं बोला था रिवर्स बैस्ट यहाँ तो अब क्या करेंगे जिस पार्टिकल को पहचानना है वो क्या करेंगे इस रीजन के ऊपर पास करवाएंगे हम गैस डिटेक्टर में पढ़े थे गैस डिटेक्टर में क्या करते थे वो जो सिलेंडर होता था मेटल का इसको ऊपर रेडिएशन करते थे हा कि नहीं यहाँ पर डिप्लेशन रीजन पर ऊपर क्या करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा यहां पर जो न्यूट्रल आटम होगा वो क्या होगा एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन नहीं बोल सकते हम होल बोल सकते पॉजिटिव आयन के लिए सेमिट कंडक्टर में क्या बोल सकते होल बोल सकते तो क्या होगा जब आयोनाइजिंग पार्टिकल हम पढ़े थे गैस गैस फील्ड डिटेक्टर में क्या होता था वो गैस का आटम होता था जब आयोनाइजिंग पार्टिकल इसके ऊपर पड़ते थे वहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अलग होते थे कि नहीं वैसे तरह डिफ्लेशन रीजन में जब आयोनाइजिंग रेडिएशन डालेंगे हम तो क्या होगा इसका अंदर जो आटम हो वो क्या करेंगे पॉजिटिव होल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव होल इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का करंट का अमाउंट बढ़ेगा करंट का अमाउंट बढ़ेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पल्स निकलेगा एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट इलेक्ट्रिक पल्स वी कैन डिस्टिंगल द नेचर ऑफ पार्टिकल एंड द पावर ऑफ पार्टिकल अंडरस्टैंड चलो नोट में देखते हुए क्या होता है एन टाइप होता है ये डिप्रेशन रीजन होता है ये पी टाइप होता है इसके अंडर आर कनेक्ट करते हैं इसके बैटरी सॉरी आर कनेक्ट करते है बेटरी भी कनेक्ट करते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये एन ये पी ये गोल्ड का होता है हाँ कि नहीं ये क्या होता है डिप्लेशन रीजन हम डिप्लेशन रीजन में डालते हैं हैंजिंग रेडिएशन रेडिएशन फॉल ऑन डिप्लेशन लेयर। द एनर्जी इन रेडिएशन पार्टिकल इस जो पार्टिकल में जो एनर्जी होते हैं, वो क्या करते है कोवल एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन डिप्लेशन रीजन इस डिप्लेशन रीजन में जो आटम होते हैं इस उस आटम को आटम की कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं इसके वजह से क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड मीनिंग क्या है शेयरिंग बॉन्ड है वो शेयरिंग बॉन्ड ब्रेक कर दे तो क्या होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे फॉर हुई मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट ओके due to excess electron and hole are forming the hole move towards positive terminal and electron move towards positive sorry hole देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्म होने लगा तो वो जो होल है नेगेटिव की तरह मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरह मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा सो सो इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप एक्स आर इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप दैट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी तो हमें क्या निकलेगा हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक पल्स मिलता रहेगा इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पल्स हाइट इज मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ आयनेजिंग रेडिएशन इस पल्स हाइट के जरिए हम क्या निकल सकते हैं पावर ऑफ आजिंग रेडिएशन इस रेडिएशन में कौन सा पार्टिकल है इसका नेचर ही क्या है बहुत सारे तो इसका एडवांटेज क्या है एक्सलेंट एनर्जी रिजोल्यूशन दैट मीन्स हम पढ़े थे आयोनाइजेशन चैंबर में आयोनाइजेशन चैम्बर में एक ब्रेक करने के लिए पॉल्स पाने के लिए दैट मीन्स आयोनाइजेशन रेडिएशन जब गिरता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के आयन क्रिएट करने के लिए थर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर होता था बट यहाँ पर इसका एनर्जी रिजोल्यूशन बहुत बहुत हाई है एक इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रिएट करने के लिए इसको सिर्फ थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है तो हमें क्या कौन सा वाला यूज करना चाहिए ये वही काम दे रहा है ये भी वही काम दे रहा है इसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए थर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इसको फंक्शन करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी चाहिए तो सस्ता सुंदर मजबूत तो हम ये ही लेंगे कि नहीं तो इसका ये इसका एडवांटेज है दूसरा एडवांटेज क्या है कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल साइज है बहुत स्मॉल साइज इसको कैरी करना भी इजी होता है काउंटिंग रेट इज वेरी हाई काउंटिंग रेट क्या ये जल्दी काउंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पॉल्स जो आ रहा है इसको काउंटिंग करने में एक्सपर्ट है ये रहा इसका थ्री एडवांटेज तो आपका न्यूक्लियर का डिटेक्टर न्यूक्लियर डिटेक्टर न्यूक्लियर डिटेक्टर का पार्ट जो था वो फाइनली कवर हो चुका है बाद में हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स इस पेपर का ये ये पार्टिकल फिजिक्स क्या है एसिलेटर है एसिलेटर क्या है हम जो ये आइनजिंग पार्टिकल को मेजर कर रहे हैं उसको एसिलेट करना है इसका वेलोसिटी को स्पीड करना है हम पढ़ेंगे बाद आफ्टर दिस क्लास वी अबाउट द पार्टिकल फिजिक्स सो बिफोर द चैप्टर I want something from you that is please like share and subscribe increase my subscriber and help me for this way thank you so much and ध्यान रखे note जरूर बनाइए ये आपको मैं 100% guarantee देता हूँ कि इससे easy note आपके पास available नहीं हो सकता है okay ये आपना खुद का language है एंड खुद का लैंग्वेज को नोट बनाइए पढ़िए एंड खुद भी अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए ट्राई कीजिए तो अपने लैंग्वेज में तब लिख पाओगे जब खुद समझा होगा तो समझना समझने समझने के लिए कौन मना कर रहा है एक बार देखो नहीं हो रहा है दो बार देखो तीन बार देखो चार बार देखो बार बार देखो ओके देन थैंक यू सो मच बाय